देखें किस तरह शंकर जय किशन आए और उन्होंने जो पंजाबी स्टाइल का चल रहा था वो शंकर जय किशन ने बदल दिया। बरसात से उन्होंने पूरा म्यूजिक का स्टाइल बदल गया और एक नया म्यूजिक शुरू हुआ। शंकर जय ये नाम जादू है और इन लोगों को सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने फॉलो किया। इनका जो ब्लूप्रिंट है वो रहमान और उनके बाद के कंपोजर्स भी फॉलो करते हैं, चाहे उसके बाद में लोग बोलते हैं कि कुछ अलग अलग स्कूल्स बने म्यूजिक के। देयर वाज एन आरडी बर्मन स्कूल एंड अ रहमान स्कूल, दैट डिड नॉट मैटर। द ब्लूप्रिंट, द ओरिजिनल फॉर्मेट वॉज क्रिएटेड एंड कंपोज्ड बाय शंकर जयकिशन। दूसरी तरफ जो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी है, आप जरा गौर से अगर सुनेंगे म्यूजिक शंकर जयकिशन के आने के बाद और शंकर जयकिशन के आने से पहले, उस म्यूजिक में एक फर्क है। ये गीत जो थे हमारे यहाँ, तो गीत पहले स्टेज पे होते थे या महफिल में होते थे, तो वो उसकी म्यूजिक भी एक लिमिटेड सी होती थी। कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी होती थी लेकिन म्यूजिक उसकी, उसका ऑर्केस्ट्राइजेशन जो था वो एक लिमिटेड था। दूसरी तरफ यूरोप की ट्रेडिशन रही है सिम्फनी की, जहाँ पर म्यूजिक बहुत बड़ा 60 पीस, 100 पीस, 80 पीस ऑर्केस्ट्रा, और जिसमें वायलिन बज रहे हैं तो एक साथ 40 वायलिन बज रहे हैं, जिसमें अगर पर्कशन है तो पर्कशन की 8-9 वैरायटीज मौजूद है। हालांकि कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इनसे पहले भी वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल हुए हैं। पंकज मलिक ने किए हैं, पियानो भी किया है, चेलो भी किया है, ट्रम्पेट भी किया है, लेकिन उसमें वो सिम्फोनिक क्वालिटी नहीं लाए, उन्होंने उन्हें अलग साउंड इस्तेमाल कर लिए। शंकर जयकिशन ने गाने के कैनवस को बहुत बड़ा कर दिया। अब वो यूं कहिए कि गाना जो था एक शॉर्ट स्टोरी जैसा होता था, उन्होंने उस म्यूजिक को नॉवल बना दिया, दास्तान बड़ी बना दी। ये बिगिनर जो थी म्यूजिक में और जो फैलाव विस्तार आया वो शंकर जयकिशन की वजह से। सुनिधि, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शंकर जयकिशन को बहुत बड़ा श्रेय जाता है हिंदी फिल्म्स में वेस्टर्न म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करने का, डू यू एग्री विद दैट? जी बिल्कुल, आप ही देखिए ना, अभी इन सब ने परफॉर्म किया, वर्सिटिलिटी की हद है। स्टार्टिंग फ्रॉम जिया बेकरार है, छाई बहार है, देन रात के हम सफर जो विपुल ने गाया, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, बदन पे सितारे लपेट हुए, आई मीन आफ्टर जीना यहाँ वरना इनके जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनसे ही आप, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, बट शंकर जयकिशन साहब में वो अनबिलीवेबल बात थी। वेस्टर्न म्यूजिक क्या है? म्यूजिक की कोई जात नहीं है, दुनिया में कहीं जाइए आप, किसी दुनिया के कोने में म्यूजिक के साथ सुर है, बस वो साथ ही सुर में आदमी को कंपोज करना है, कोई छठवां आठवां सुर तो होता नहीं। क्यों? अपनी अपनी सभ्यता जो होती है वो उस सभ्यता के हिसाब से, मुल्क के हिसाब से, मुल्क के तरीके के हिसाब से, उनके तार तौर, उनके रिवाज जो है उसी तरीके से वो कंपोजिशन हो जाता है। जैसे आप अंग्रेजी म्यूजिक है, अंग्रेजों के मुल्क में वो अंग्रेजी म्यूजिक बन गया, जर्मनी में चले जाइए वो जर्मन म्यूजिक बन गया, और रशिया में चले, जहां भी मर्जी किसी भी, जैसे हिंदुस्तानी है कि क्यों कि हम हाथ से खाने वाले लोग हैं, धोती और कुर्ता पहनने वाले लोग हैं, साफा बांधने वाले लोग हैं, तो हमारा गाने का स्टाइल कुछ और है, और ब्रिटिश या लंदन इस तरफ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, उनका पहनाव उनका तरीका कुछ और है, तो उसी हिसाब से सात सुर है, लेकिन अंग्रेजी म्यूजिक कोई भी कंपोज कर सकता है जिसको म्यूजिक मालूम है। जैसे मसलन मैं पियानो बजाता हूँ, अकॉर्डियन बजाता हूँ, तो मेरे लिए कोई अंग्रेजी म्यूजिक कोई मुश्किल नहीं है। अंग्रेजी म्यूजिक का मतलब क्या? उनका ढंग है, बेसिक चीज, बेसिक उनका है बस, बाकी कंपोज कोई भी कर सकता और इसको कोई दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा ही म्यूजिक है या दूसरा नहीं कर सकता, गलत है ये। शंकर जयकिशन brought in the kind of orchestral newness and innovations जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली दूसरे कंपोजर्स को क्रेडिट दिया जाता है। मैं उन कंपोजर्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वेरी वेरी न्यू एंड पायनियरिंग यूज ऑफ म्यूजिक एस्पेशली वेस्टर्न म्यूजिक वॉज डन बाय शंकर जयकिशन इन देयर फिल्म। शंकर जयकिशन जी का जो म्यूजिक था जो है सचमुच जो कहते हैं बड़े पर्दे का म्यूजिक, और जब उनकी उनके गाने आते थे या गाने आज भी अगर आप देखें तो जिस तरह का उनका ऑर्केस्ट्राइजेशन है, जिस तरह की उनकी सुर जो उनके नोट्स थे, तो एक
एक बात यहाँ कहना बहुत उचित होगा कि ओबो, बैकपाइप, सैक्सोफोन, चेलो, मिराकस, हार, फ्रेंच हॉर्न, ट्रैम्बोलिन जैसे विदेशी साज शंकर जयकिशन जी के संगीत की शोभा बने पहले और बाद में अन्य संगीतकारों ने उसका इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, वॉल्स, ब्लूज, रॉक एंड रोल, ट्विस्ट, स्विंग, बिग बैंड, बोसानोवा, स्लो रॉक जैसी विदेशी संगीत और नृत्य धारा को शंकर जयकिशन जी ने अपने संगीत में पहले बहाया। बरसात हैड द फर्स्ट टाइटल सॉन्ग, बरसात में हम तुमसे मिले, द फर्स्ट कैबरे सॉन्ग पतली कमर है, द फर्स्ट सैड सॉन्ग दैट वाज नॉट वेरी मोरोस एंड लैंगरस बट फास्ट पेस, रफी साहब का मैं जिंदगी में हरदम रोता रहा हूँ, आवारा सॉ द फर्स्ट ड्रीम सिक्वेंस, घर आया मेरा परदेसी, वो नंबर देते हैं बड़े बड़े जिन्हें मैं भी मुश्किल पे वो तकरीबन मैंने उसको। अच्छा, एक बड़ा सुंदर सा गोरा दुबला पतला एक लड़का आया मुझे बुलाने, उसने कहा कि राज कपूर के गाने हैं और आपको बुलाए हैं, तो मैं सोचती रही क्योंकि मैं पृथ्वीराज कपूर जी को मतलब देख चुकी थी कोल्हापुर में, तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये इतने हैंडसम आदमी हैं तो इनके बच्चे कैसे होंगे, राज कपूर कैसे होंगे, तो मैं सोचती रही। मैंने मीना को कहा, मैंने कहा मीना आज राज कपूर के यहाँ से एक शायद कोई उनके ऑफिस का बॉय था, आया था मुझे बुलाने, बड़ा सुंदर था, इसका मतलब जैसे प्रोड्यूसर हैं वैसे शायद उनके नौकर भी हैं, और मैं जब गई तब पता चला कि वो जयकिशन है। मुझे लगता है जैसे शंकर जयकिशन ने म्यूजिक किया और किसी ने।